अवगुण संपन्न, ऐसा कोई अवगुण नहीं जो उसमें, झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना, वो सारे गलत काम करता। एक दिन नशा के लिए माता से धन मांगा, धन नहीं था, उसको इतना क्रोध आया, उस क्रोध में उसने अपनी माता को ही मार दिया। संगत गलत हो गई, उन संगत में रहकर राजा के खजाने में चोरी करी। संगत ने सोचा एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, तो एक रात्रि उसको बहुत मदिरा पान कराया और उसको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में जब कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा तो गरम गरम दहकते हुए कोयले उसके मुख में डाल दिए, बहुत दर्दनाक मृत्यु आई। उसके बाद भी मुक्ति नहीं मिली, उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई। यहाँ गौकर्ण जी को पता चलता है तो वो आते हैं घर में, जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं भाई के रोने की आवाज आती है। उसने कहा मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो। उसने कहा कल आना। गौकर्ण जी सूर्यनारायण भगवान को प्रसन्न करते हैं, उनसे पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा श्रीमद भागवत कथा सप्तापरायण करिए। तो कथा होती है, कथा में बहुत लोग आए सुनने। 7 दिन की कथा हुई और 7वें दिन जो व्यक्ति 7 दिन पहले महापापी था, 7 दिन बाद उनको लेने भगवान का विमान आया। अब विमान आया तो गौकर्ण जी ने कहा कथा सबने सुनी है, विमान इसके लिए क्यों? तब उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई जो आप सबके लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा केवल सुनने से कल्याण नहीं होता। 3 शब्द बताए, ये 3 शब्द आपका जीवन बदल सकते हैं। और देखिए ये हर क्षेत्र में है, यहां पर तो भक्ति के लिए कहा गया है, पर ये 3 शब्द को अगर आप हर क्षेत्र में लागू करिए तो आपको सफलता मिलती है। शब्द है पहला श्रवण। श्रवण यानी सुनना, जो हमने बंद कर दिया है। आजकल सबको बोलना पसंद है, सबको बोलना है, कोई भी सुनने को तैयार। मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि समय ऐसा आ गया लोग खाए बिना रह जाए पर बोले बिना नहीं रहे, इतना जरूरी है बोलना, पर किसी की सुननी। और सबसे बड़ी बात है देखिए, बोलोगे तो वही जो पता है, पर सुनोगे तो शायद वो पता चल जाए जो नहीं पता है। तो ज्यादा फायदा किस चीज में है? सुनने में। तो सुनिए, लोगों को, सबको सुनिए। कई बार लोग कहते हैं कि हम आदमी देखकर सुनते हैं, नहीं नहीं, सबको सुनो, ज्ञानी को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो, क्योंकि ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना।